और दुर्योधन से कहा कि हो आपस में प्यार खार थारे रिश्तेदार नहीं चाहते, और दुर्योधन भाई भाई में हम तकरार नहीं चाहते। अरे दुर्योधन तेरे चाचा के बेटा हैं, अगर ज्यादा भी नहीं दे सकता तो आधा राज दे दे, और आधा भी नहीं दे सकता तो केवल 5 गांव दे दे, पांचों गांव में वो पांचों पांडव अपना गुजर बसर कर लेंगे। लेकिन सजनों अहंकारी दुर्योधन ने ये कह दिया कि हे केशव, हे माधव, आप तो 5 गांवों की बात करते हैं, पांचों पांडवों से जाकर के कह देना कि जितनी सुई की नोक टिका करती है उसके बराबर भी जमीन पांचों पांडवों को नहीं मिलेगी। श्री कृष्ण भगवान आ जाते हैं और आकर के सारा हवाला अपनी बुआ कुंती से बताया। बुआ कुंती कहने लगी करे कृष्ण अब क्या करना चाहिए। बुआ कुंती अब यह कहना चाहिए, तू अच्छी तरह से जानती है कि वो कर्ण तेरी कोख से जन्मी हुई संतान है, और कल के युद्ध में कर्ण को सेनापति बना दिया है, पांचों बेटे की जिंदगी का सवाल था। सजनो महारानी कुंती सहमे सहमे से कदमों से कर्ण के शिविर में पहुंच जाती है। क्या लिखा है रागिनी के माध्यम से, क्या बताया बोला अभी? हेलो हेलो, आज मैं क्या देख रहा हूं, आज से पहले जीवन में नहीं देखा कि महारानी कुंती राजमाता कुंती इस अभागे और निर्भाग्य कर्ण के शिविर में आई हो, लेकिन आज पहली बार महारानी कुंती इस कर्ण के शिविर में आई है। हे राजमाता कुंती, ये सूत पुत्र कर्ण आपको हाथ जोड़ करके सिर झुका करके राम राम नमामि नमस्कार करता है। कहिए राजमाता कुंती, अगर इतना ही कोई जरूरी कार्य था तो मुझे महलों में बुलवा लिया होता, मैं स्वयं चलकर के तुम्हारे पास में आ जाता। आखिर किस लिए आई हो पूछना चाहता हूं। सदा खुश रहो करण, लेकिन यहां मैं अपना आदर व सत्कार करवाने के लिए नहीं आई हूं, और बल्कि तेरे जीवन की वो सच्चाई तुझे बताने आई हूं, वो रहस्य तुझे बताने आई हूं जिसे तुम नहीं जानते हो, केवल मैं जानती हूं करण। भला मेरे जीवन की ऐसी भी कोई सच्चाई है? हाँ, जो कि खुद मुझे पता नहीं हो, तो मैं पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं। तो सुनिए, जिसे आज अपने मुख से आप बार बार महारानी कुंती कह रहे हो। हाँ, हाँ मैं महारानी कुंती हूं करण, लेकिन महारानी कुंती होने के साथ साथ इन पांचों पांडवों की माँ भी हूँ, ये भी अच्छी तरह से जानता हूँ भली भांति, और पांचों पांडवों की माँ होने के साथ साथ इस पूरे राजकाज की मालिक हो महारानी कुंती, ये भी अच्छी तरीके से जानता हूँ, और सारे राजकाज की मालिक होने के साथ। हाँ, उन पांचों पांडवों की माँ होने के साथ। हाँ, मैं तुम्हारी भी माँ लगती हूँ करण, असली माँ ये नहीं हो सकता, मैं ही हूँ तुम्हारी करण, ये नहीं हो सकता, यही तो सच्चाई बताने के लिए आई हूँ। सच्चाई तुम्हें नहीं पता है, सच्चाई मुझे पता है। तुम्हें क्या पता है? सुनना चाहती हूँ। सवाल करो, जवाब मैं तुम्हें दूंगी करण, कहिए अपनी बात। राधा सुत दानी और माता कह के, मुझे माता कह के बोल लाडले फटके से तेरी वाणी, माता कह के बोल लाडले और फटके से तेरी वाणी। अरे हाथ जोड़ प्रणाम करे, हाथ जोड़ प्रणाम करे, तुझे ये राधा सुत दानी और माता कह के, मुझे माता कह के, रे माता कह के बोले लाडले फटके से तेरी वाणी, माता कह के बोले लाडले
माता। अरे सूत पुत्र ना ए? सूत पुत्र ना सूरज सु तुम्हारा माँ बेटे का नाता रे। सूत पुत्र ना सूरज सु तुम्हारा माँ बेटे का नाता। मन क्यों हमदर्दी दिखा रही, मन क्यों हमदर्दी दिखा रही, यो भेद समझ ना आता। अरे दिल पे भारी ए? दिल पे भारी हाँ। दिल पे भारी चोट लगी मेरा फटिया काल जा जाता रे। दिल पे भारी चोट लगी मेरा और फटिया काल जा जाता। सरनी चा क्यों कर राख्या, सरनीचा क्यों कर राख्या रे, सरनीचा क्यों कर राख्या, तू तो पांडु की महारानी। और माता कह के मुझे माता कह के नहीं। माता कह के बोले लाडले खट कैसा तेरी वाणी। माता कह के बोले लाडले खट कैसा तेरी वाणी। मेरी माँ नहीं हो, तुम्हारी माँ मैं ही हूँ करण। अरे मेरी माँ तो राधे है, मुझे तो राधे ने गोद खिलाया। हाँ तुम्हारी माँ वो भी है, लेकिन केवल उसने पाल पोस कर बड़ा किया है। अच्छा। जन्म जन्म मैंने तुझे दिया है करण। लेकिन मैं कैसे यकीन करूँ कि तूने मुझे जन्म दिया है। तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ राधे है, और मेरे पिता कौन है तुम जानना चाहती हो। तुम्हें पता है? अच्छी तरह से पता है। कहिए करण। सुनो। बताइए। ओ पिता अकीरत है मेरे, पिता अकीरत है मेरे, राधे ने गोद खिलाया। राधा ना राधा ना हाँ। राधा ना तो कुंती सुत मन पेट फाड़ के जाया रे। राधा ना तो कुंती सुत मन पेट फाड़ के जाया। तूने मुझे पेट फाड़ करके जाया है। हाँ करण। तो एक बात मुझे बता दे। कहिए। तेरी छाती फटी नहीं के, तेरी छाती फटी नहीं, तने कैसे मैं ठुकराया। अरे कुआरी ने ए? कुआरी ने हाँ। कुआरी ने पैदा करके तू गंगा बीच बहाया। कुआरी ने पैदा करके तू गंगा बीच बहाया। तेरे जैसी आज तलक ना, तेरे जैसी आज तलक ना, तेरे जैसी आज तलक ना, मन देखी बेटे खानी। और माता कह के हा? माता कह के बोले लाडले खट कैसा तेरी वाणी। माता कह के बोले लाडले खट कैसा तेरी वाणी। ओ ओ चाहती हूँ। एक समय का जिक्र है, तू हाँ। सुनना चाहता है तो कैसे मेरी कोख में आया, कैसे मैं तेरी माँ हूँ। अगर तू मेरी माँ है, मैं तेरा बेटा हूँ हाँ। तो मुझे वो सच्चाई बता दे, सच्चाई जो इतने बरसों से तूने अपने आप से जुदा करके रखा और आज आकर के भेद बताया है, तो वो सच्चाई बता दे कि कैसे तो तूने मुझे जन्म दिया और जन्म देने के बाद अपने आप से इतनी दूर रखा, तो क्यों रखा। सच्चाई सुनना चाहता है करण हाँ। तो सुन मेरी बात। बता। कि एक रोज का जिक्र, महल में दुर्वासा ऋषि आया था हाँ। और वशीकरण मंत्र सेवा कर मैंने दुर्वासा से पाया था। अरे उस मंत्र पे विश्वास कराना, न्यू सूरज पे अजमाया था, और ना मिटे ऋषि के व
वचन करण मैंने न्यू क्वारी ने जाया था और ऐसे कर्म करण आली को क्या? अरे ऐसे कर्म करण आली को इस जग में कौन भला कह दे। मेरा मन भर जाएगा मान करण मुझे कुंती ना कह माँ कह दे। मुझे एक बार माँ कह दे करण मेरी कोई गलती नहीं है। एक समय का जिक्र है दुर्वासा ऋषि आए थे उनकी मैंने बहुत सेवा करी। फिर? उन्होंने मेरी सेवा से खुश होकर कहा कि बेटी अगर तू इस मंत्र का जाप सूर्य उदय को साक्षी मानकर करेगी तो तुझे एक पुत्र प्राप्त होगा। फिर? मैंने सोचा कहीं मंत्रों से पुत्र होते होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उनके जाते ही जैसे ही मैंने उस मंत्र का जाप किया उसी वक्त तो मेरी कोख में आ गया। अब तू बता इन दुनिया वालों को मैं क्या जवाब देती कि तू मंत्रों से पैदा हुआ है। कोई मेरी बात पे यकीन नहीं करता करण। रागनी अच्छी लग रही हो, शब्द अच्छे लग रहे हैं और मौके की हो तो एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियों से आशीर्वाद दे दे। अरे लोगो आज महारानी कुंती अपनी सच्चाई बता रही है लेकिन वो करण मानने के लिए तैयार नहीं है। सुनिए मेरी बात। कहिए करण। ओ मतलब करण याद दिलावण आई अपने दिल के अपने दिल के टुकड़े ने मैं आज मनावण आई। अपने दिल के टुकड़े ने मैं अरे आज मनावण आई। अपने दिल के टुकड़े ने मैं आज मनावण आई। अरे लोगों अगर बात अच्छी लगे समझ में आ जाए थारे पल्ले पड़ जाए तो सुनने के बाद ताली जरूर चाहूंगा। क्या कहे एक बार कहे के और बता दे। अपने दिल के टुकड़े ने मैं आज मनावण आई रे। अपने दिल के टुकड़े ने मैं और आज मनावण आई। मेरे दिल पे चीरा देख है मेरे दिल पे चीरा देख है तू तो नमक लगावण आई। पांचों पांडव तेरे भाई क्यों समझावने आई। पांचों पांडव तेरे भाई और क्यों समझावने आई। मांग लिए क्या चाहिए तनेरी कुछ नहीं। मांग लिए क्या चाहिए तने तू तो खोल बता परेशानी। मैं बस इतना चाहती हूँ करण। कितना? मुझे महारानी कुंती ना बोल और तेरे मुख से एक शब्द सुनने के लिए मैं तरस रही हूँ। माता कह के हा? माता कह के बोले लाडले खटके से तेरी वाणी। माता कह के बोले लाडले खटके से तेरी वाणी। तुम्हारे साथ अपने पांचों पांडवों के साथ मिलकर युद्ध कर। वो दुर्योधन अच्छा आदमी नहीं है। वो तेरे पांचों पांडवों की जान चाहता है करण। वो दुर्योधन अच्छा आदमी नहीं है तो तुम्हारे लिए नहीं है। मेरे अच्छा आदमी नहीं है दुर्योधन तो पांचों पांडवों के लिए नहीं है। मेरे साथ चल करण। अरे दुर्योधन तो आखिर मेरी जान है। इतना बड़ा उपकार इतना बड़ा एहसान दुर्योधन का मेरे सर के ऊपर है। अच्छा अगर जीते जी ये करण अपनी खाल की जूती बना करके उस दुर्योधन को पहना दे अच्छा तो लोगों मेरे सर से एहसान उस दुर्योधन का उतरने वाला नहीं है। वाह तू मेरे साथ चल करण। कहां? अपने पांचों पांडवों के साथ मिलकर युद्ध कर। नहीं युद्ध करूंगा तो दुर्योधन की तरफ से करूंगा क्योंकि जीता था तो दुर्योधन के लिए और जीऊंगा तो दुर्योधन के लिए और मरूंगा तो दुर्योधन के लिए। वो
वो दुर्योधन तेरे लिए भगवान हो गया है, और मैं तुझसे ये कह रही हूँ कि मैं तेरी माँ हूँ। वो पांचों पांडव कोई गैर नहीं, तेरे छोटे भाई हैं। तो तू मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहा? के सुन के भारी चोट लगी, और 9 महीने गर्भ के अंदर रखने वाली, पेट पाड़ करके जन्म देने वाली, हाँ, के सुन के भारी चोट लगी, मेरे जी के जी पे क्या बन गई? और जा मतलब कारण बेटे खानी, तू आज करने की माँ बन गई। मुझे पता है मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है, मेरे साथ नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा। कही अपनी बात सुन। कोई खाली नहा लौटाया, क्या ये सत्य है? ये सत्य है, जो तेरे दर पे आता है कभी खाली हाथों नहीं जाता। आज से पहले अभी तक मेरे दर से कोई खाली हाथों नहीं गया। तो करण, हाँ, मैं भी कुछ मांगने आई हूँ। तुम भी मांगने आई हो? क्या मुझे भी मिलेगा? अवश्य मिलेगा, लेकिन पहले वचन भर कि जो मैं मांगूंगी वो ही तू देगा। करण कभी वापिस ना आ जाए। हाँ, मैं वचन भरता हूँ कि जो तुम मांगोगी महारानी कुंती आपको वही मिलेगा। तो ला क्या? और भीख घाल दे, भीख घाल दे, भीख घाल दे, झोली में मनयो पल्ला फैलाया, भीख घाल दे झोली में यो पल्ला फैलाया। लोगों, इतने वर्षों तक करण को अपने आप से जुदा रखा, और इतने वर्षों के बाद अगर महारानी कुंती आई है तो भी लालच के वशीभूत होकर के आई है। लालच नहीं, एक बार ताली मार दो महारानी कुंती के लिए जोरदार ताली। आज तक ऐसी माँ जीवन में नहीं देखी होगी। भीख घाल दे झोली में मैंने यो पल्ला फैलाया। मुझे इस झोली में कुछ चाहिए तुझसे। क्या चाहिए तुझे? अगर तू अभी भी दुर्योधन का साथ छोड़ देगा तो मैं कुछ नहीं मांगूंगी। दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता, मांगना चाहिए। तुम मांगे, क्या मांगना चाहती हो? मुझे इस झोली के अंदर वो चीज चाहिए जिसे तू अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करता है। मैंने ये सुना है कि गुरु परशुराम के दिए हुए 5 बाण तेरे पास हैं। हाँ। जिन 5 बाणों के ऊपर तूने मेरे 5 पांडवों का नाम लिख रखा है। हाँ। ना उन 5 बाणों को मेरी झोली के अंदर डाल दे, और अपने भाइयों की जान बख्श दे। करण, मेरे 5 पांडवों की जान बख्श दे। वाह वाह महारानी कुंती, वाह! आज ये कैसा नाटक मेरे सामने कर रही हो? क्या इतने दिन के बाद मेरे से दान मांगने आई है? अच्छा, इतने दिन के बाद मेरे से दान मांगने आई है, और जिन बाणों का घर मुझे वो बाण मांगने आई है। अरे कितने बेटे हैं तेरे? 6 बेटे हैं मेरे। जब 6 बेटे हैं तेरे, 5 के क्यों प्राण मांगने आई है? और बाणों का तो नाम महारानी कुंती, करण की तू जान मांगने आई है? नहीं नहीं, करण की जान मांगने। ऐसा मत बोल करण। सजनों, पंडित जी ने बोल भी के रखा है कि पंड राजा के 6 पुत्र थे वो करण पाट गया न्यारा। पंड राजा के 6 पुत्र थे वो करण पाट गया न्यारा, कैरवा में रहने लाग गया कर के भाईचारा। राजा द्रौपदी ने रचा स्वयंवर, उड़े देश जुड़िया था सारा। और लोगो, बेटा कहन ते कुंती ना टिन्यू रह गया करण कवारा। वो मंच, वो स्टेज, उस समय को याद कर महारानी कुंती। ए राजमाता कुंती, उस समय को याद कर जब राजा द्रौपदी ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाया। एक से एक योद्धा महायोद्धा वहां पर आए थे, किसी में इतनी ताकत नहीं हुई कि कोई उस मीन को बींदे। मेरे से रुका नहीं गया, मैंने आगे की तरफ कदम को बढ़ाया। हाँ। और धनुष के ऊपर तीर को चढ़ाया, और जैसे ही उस मीन को बींदना चाहा तो द्रौपदी मेरे सामने आ गई, मेरा हाथ पकड़ लिया और नू बोली। क्या बोली वो द्रौपदी मेरे सामने आ गई, मेरा हाथ पकड़ लिया और नू बोली, ओ मीन को बींदने वाले, तेरे साथ में शादी कर लूंगी। अच्छा। कि तेरे साथ में शादी कर लूंगी, इस बाण को थाम बता पहले। तेरे साथ में शादी कर लूंगी, इस बाण को थाम बता पहले। हाँ। और फिर बींदी मींद मुझे, माँ बाप का नाम बता पहले, माँ बाप का नाम बता पहले। मुझे पता है करण,
अगर मेरी माँ थी तो तने उस समय उठ करके कहना चाहिए था कि बेटे करण तू मेरी कोख से जन्मी हुई संतान है। उस समय सही वक्त नहीं था लेकिन आज है। अच्छा कही अपनी बात। क्या कोई खाली ना लौटाया और भीख घाल दे झोली में मन यो पल्ला फैलाया रे। भीख घाल दे झोली में मन यो पल्ला फैलाया। दुर्योधन का मैं दुर्योधन का साथ ना छोड़ू, दुर्योधन का साथ ना छोड़ू, मांग ले और बकाया। मेरे बेटों की बस मेरे बेटों की हा? मेरे बेटों की जान बख्श दे, कर दे मन का चाया। मेरे बेटों की जान बख्श दे, कर दे मन का चाया। कलम उठा हरे राम बैसे ले, कलम उठा हरे राम बैसे ले, कलम उठा हरे राम बैसे ले। कोई लिख दे धर्म कहानी और माता कह के बोले लाडले खटके सतरी वाणी। माता कह के बोले लाडले और खटके सतरी वाणी। हाथ जोड़े प्रणाम करे, हाथ जोड़े प्रणाम करे, तुझे ये राधा सुत स्वामी। और माता कह के बोले लाडले खटके सतरी वाणी। हो माता कह के बोले लाडले खटके से सिसोदिया जी कहते हैं सतेंद्र जी के वर्षों बाद तमन्ना से उतरे हैं गहरे पानी में, वर्षों बाद तमन्ना से उतरे हैं गहरे पानी में, वतन की प्यास बुझा कर रहेंगे। जो सिर झुके तो नहीं पर दबाए गए थे, उन सिरों को फिर से उठा कर रहेंगे। अंधेरे में रहकर उजाले भूल गए हैं जो, उनके घरों में चिराग जला कर रहेंगे, उनके घरों में चिराग जला कर रहेंगे। किस तरह से स्वागत की साथियों, चलिए। सम्मान में हम महफिल सजाए बैठे हैं और दोनों हाथ उठा करके ताली होनी चाहिए, क्योंकि ससेंद्र सिसोदिया के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं। ससेंद्र सिसोदिया के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं। वो आए हैं सम्मान में हम महफिल सजाए स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं। सिसोदिया जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं। ढोलक उठा दे ढोलक। विधायक जी, विधायक जी आप मेरे पास आ जाओ। आज जो कि दोनों भाई, दोनों भाई मिलके चलते रहिए, दोनों भाई मिलके कर रहे हैं, जोरदार ताली हो जाना चाहिए, जोरदार ताली सोच। पहले सिसोदिया जी जो आपके सीनियर हैं, दो लाइन में उनके लिए पढ़ रहा हूं पहले, उसके बाद में अपने भैया के लिए पढ़ूंगा। अरे अपने श्री भूपेंद्र, अब मत बोलो मैं बीच में कौशिक जी, बिल्कुल भी तुम्हें कसम है तुम्हारी घरवाली। अरे अपने श्री भूपेंद्र सिंह को, बेशक यहाँ नहीं है पर लखनऊ तक आवाज जानी चाहिए, ये तेजपाल का क्षेत्र है, ये सिसोदिया जी का क्षेत्र है, उनके कैसे। अरे अपने श्री भूपेंद्र सिंह को खिलता हुआ कमल कह दूं, बीजेपी की रीढ़ कहूं या बीजेपी का बल कह दूं, बीजेपी की रीढ़ कहूं या बीजेपी का बल कह दूं। प्रदेश अध्यक्ष बन यूपी में वो धाक जमाए बैठे हैं। सोचा
जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं। सिसोदिया जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं। सतेंद्र सिसोदिया जी की तरफ से 1100 रुपया नगद और 1000 रुपया उधार दिया गया है। मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आपका दूसरी कली के माध्यम से मैं अपने शेर को खड़ा कर रहा हूं, अपने शेर को खड़ा कर रहा हूं, उस शेर को जिसने आज हिंदुस्तान में आपके नाम को जनाया है। दोस्तों कंजूसी मत कर देना, ताड़ियों में हाथ जोड़ के निवेदन है। मुझे पैसा दो या मत दो, मैं तो ले लूंगा भैया तेजपाल से। 2100 है पूरे के पूरे, चलो 1000 फिर भिजवा देना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए और माननीय और दोस्तों हमारे विधायक जी माननीय श्री तेजपाल नागर जी, क्योंकि मुझे 5000 रुपया दिया करते हैं, उन्होंने 5000 रुपया मुझे भेजे हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाना चाहिए। आज रही सो के जाऊंगा अकल पुरुषों, और फिर प्यावली में जाऊंगा। पहली कली में अरे अरे जैतवारपुर प्यावली, हाँ सुन लेना ध्यान से दोस्तों, अरे जैतवारपुर प्यावली धन मात पिता और ग्राम तेरा, श्री अमर सिंह के लाल देश में गूंज रहा सलाम तेरा, श्री अमर सिंह के लाल देश में गूंज रहा सलाम तेरा। हे क्षेत्रीय अध्यक्ष बनके मारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष बनके मारी, ये शान बढ़ाए बैठे हैं। सिसोदिया जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं। सिसोदिया जी के स्वागत में हम और दूसरी गली में मैं शेर को खड़ा कर रहा हूं। माननीय सिसोदिया जी खड़ा होना पड़ेगा आज तो, क्योंकि मेरे बहुत दिन बाद दोनों भाई एक साथ आए हैं। दोनों हाथ उठा करके जोरदार ताली दोस्तों, और होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं क्या, अरे आगे बढ़ना सीख लिया कभी पाछे कदम हटाया ना, सिसोदिया जैसा शेर देश में दोहे से भी पाया ना, सिसोदिया जैसा शेर देश में रे दोहे से भी पाया ना। ये योगी जी के सपनों को, हाँ योगी जी के सपनों को साकार बनाए बैठे हैं। सिसोदिया जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं। सिसोदिया जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं। अकलपुर से श्री धन्नी प्रधान जी 1100 रुपया नगद दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और परम आदरणीय भाई अनिल मावी जी, जी हाँ परम आदरणीय भाई अनिल मावी लाल कुआ से, श्री नरेंद्र प्रधान जी पिछाड़ा 2100 रुपया दे रहे हैं, उनका धन्यवाद। वो दूसरी जेब में रख रहा हूँ क्योंकि पहली भर चुकी है। क्या बात है। और अब मैं इससे पहले कि आपके बेटे को उठाऊं, आपके उस बेटे को उठाऊं जिसकी विधानसभा में जब गूंज होती है तो चेहरे खिल उठते हैं, दादरी के ही नहीं पूरे गौतम बुद्ध नगर के चेहरे खिल उठते हैं दोस्तों। उससे पहले मैं उठाऊं, मैं अपनी बहन गीता सर पंडित जी को खड़ा करना चाहता हूं। प्रधान जी कर दूं विधायक जी, जोरदार तालियों से स्वागत साथी, जोरदार तालियों से। मास्टर मामचंद जी ग्राम प्रधान ऊंचा गांव से, वो भी 2100 रुपए दे रहे हैं। जेब बहुत बड़ी लाया मैं आज, मुझे पता ही अकलपुर में गड़बड़ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहन जी एक बार खड़े हो जाए, बहन जी के लिए दोनों हाथ उठा करके जोरदार ताली दोस्तों, जोरदार ताली। अरे अपनी गीता पंडित जी की कोयल सी बाड़ी कह दूं, चोर जुलम से टकराए इन्हें झांसी की रानी कह दूं, चोर जुलम से टकराए इन्हें झांसी की रानी कह दूं। ये चेयरमैन बन दादरी में, चेयरमैन बन दादरी में, ये कमल खिलाए बैठे हैं, सिसोदिया जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं, सिसोदिया जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं। और विधायक जी आपका सबसे बाद में सम्मान कर रहा हूं, एक बार आ जाओ आप हैं जी, भाई साहब को भी खड़ा कर लो, प्लीज खड़ा कर लो एक बार साथ में, कोई बात बैठे हैं मैं निवेदन करता हूं को वो भी आ जाए, प्लीज खड़े होकर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। सिसोदिया जी को तो मैंने कई बार खड़ा कर लिया, पर आप लोगों को खड़ा कर रहा हूं। देखिए आज एक छोटा भाई बड़े भाई के ऑर्डर पर कैसा खड़ा हो रहा है, एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए दोस्तों, जोरदार ताली। और ये लाइन कर रहा हूं, लाइन अच्छी लगे तो तालियों से साथ दे देना दोस्तों, आपके शेर के लिए क्या। अरे दादरी आ कुल पर मैं तने देश में मान बढ़ाया है, श्री हीरा लाल के लाल दादरी क्षेत्र को चमकाया है, हीरा लाल के लाल दादरी क्षेत्र को चमकाया है, मोदी जी योगी जी कारे, मोदी जी योगी जी कारे पथ अपनाए बैठे हैं, सिसोदिया जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं, सिसोदिया जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं। एक अंतर और भाभी भी बताना कैसे रेस्ट करती होगी, 5 बजे लोग बाग इनके चारपाई पे पहुंच जाते हैं, विधायक जी के पे खरी बात लगे तो तालियों से सम्मान दे देना क्या। अरे तेरे जैसा जनसेवक, श्री तेजपाल जैसा जनसेवक कोई दिन और रात नहीं देखा, तेरे दर से कोई आता खाली हाथ नहीं देखा, तेरे दर से कोई आता खाली हाथ नहीं देखा, हे शिक्षक बन फिर बने प्रिंसिपल, शिक्षा का विस्तार किया, कृषक और मजदूरों का बन माझी बेड़ा पार किया, कृषक और मजदूरों का बन माझी बेड़ा पार किया। और भाई एक बार मेरे लिए भी हल्की सी ताली हो जाए, मैं भी मेहनत कर रहा। श्री सुधीर राणा जी पतवाड़ी से 1100 रुपए दे रहे हैं, भैया मौजी राम एक माला दे रहे हैं, एक माला कलाश्वर वालों ने गेरी थी, अब तक छुट्टी नहीं हुई है, मौजी राम ने दूसरी पहरा दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। Yeah.
के साथ साथ जो हमारे लाइनों का भी ध्यान रखे, किस तरह से हमने भी दो के लिए छोड़ी है। हाँ Yeah।
नमो श्री भगवती मेरी हंस वहाणी मात वीणा पुस्तक धारणी तुम इलाज है तेरे हाँ। आदमी का जिस्म क्या तो जिस पे सैदा है जहां एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान के भाई खून का गारा बना और ईट समझो हड्डियां चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याल आसिया के मौत की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी लोगों देख लेना ये इमारत खाक में मिल जाएगी। भवानी भक्तों की होगी माँ आबरो बचानी भक्तों की होगी माँ आबरो बचानी अरे कहाँ पे तू सोई मैया दुर्गे भवानी भक्तों की होगी माँ आबरो बचानी है भक्तों की होगी माँ आबरो बचानी अरे कला है सवाई धूम मची तीन लोक में 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 हे पापों का भार बढ़ा देव बैठे सोग में धोखे में जमाना घिर गया हो धोखे में जमाना घिर गया ऋषि मुनि ज्ञानी आबरो बचानी अरे कहाँ पे तू सोई मैया दुर्गे भवानी भक्तों की होगी माँ आबरो बचानी भक्तों की होगी माँ आबरो बचानी मैया एक बार मुसीबत मैया मंझा ने उठाई थी एक बार मुसीबत मैया मंझा ने उठाई थी अरे नगन था शरीर घनी दर्द ने सताई थी नगन था शरीर घनी दर्द ने सताई थी वो दाई बन के आई मैया हो बढ़ के आई मैया विपदा हटानी आबरो बचानी कहाँ पे तू सोई मैया दुर्गे भवानी भक्तों की होगी माँ आबरो बचानी अरे भक्त
संतों की होगी माँ आबरो बचाने। क्रोध के मैं भर के होगी शेर पे सवार माँ, क्रोध के मैं भर के होगी शेर पे सवार माँ, दानवों के बीच बजी तेरी तलवार माँ, दानवों के बीच बजी तेरी तलवार माँ, अरे हार में ना पाला तेरा हो, कहाँ पे तू सोई मैया दुर्गे भवानी, अब तो की होगी माँ आबरो बचानी, अब तो की होगी माँ आबरो बचानी। सुमर के मैया कविता बना ले, जय किरण सुमर के मैया कविता बना ले, वो तिरंगे वही जो अपने गुरु ने मना ले, तिरंगे वही जो अपने गुरु ने मना ले, वो तिरंगे वही जो अपने गुरु ने बचानी, अरे कहाँ पे तू सोई मैया दुर्गे भवानी, भक्तों की होगी माँ आबरो बचानी, अरे भक्तों की होगी माँ आबरो बचानी। क्यों बोलिया रे सूरज ने ली मांग रोशनी, रजनी चंदा तारों ने भाई बेटा बहु ने मांग लिया और जान मांग लिया रोने, बेटा बहु ने मांग लिया और जान मांग लिया रोने, सूरज ने नहीं मांग रोशनी, सूरज ने नहीं मांग रोशनी, रजनी चंदा तारों ने बेटा बहु ने मांग लिया और जान मांग लिया रोने, फिर बेटा बहु ने मांग लिया और जान मांग लिया रोने। सियर ने फण मांग लिया, कायर ने तो डर मांगा और छतरी ने रण मांग लिया, ओ कायर ने तो डर मांगा और छतरी ने रण मांग लिया, भाई ग्रस्ती ने बालक मांगे, ग्रस्ती ने बालक मांगे और साधु ने बन मांग लिया, कीड़ी ने
एक कण मांगा और हाथी ने मण मांग लिया। कीड़ी ने एक कण मांगा और हाथी ने मण मांग लिया। भला भूखे ने अन्न मांग लिया रे, भूखे ने अन्न मांग लिया। धन मांगा साहूकारों ने, बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग लिया यारों ने। बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग लिया यारों ने। ओ हो धरती ने मांग लिया दाना, प्यास ने पानी मांग लिया और भूख ने मांग लिया खाना। प्यास ने पानी मांग लिया और भूख ने मांग लिया खाना। भाई बुद्धि ने विद्या मांगी, सुर ने मांग लिया गाना। मेहंदी ने रंग मांग लिया और बिना पिसे रंग ना आना। मांग लिया और बिना पिसे रंग ना आना। आशिक ने मांगा वीराना, आशिक ने मांगा वीराना। लई रौनक मांग बाजारों ने, बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग लिया यारों ने। अरे बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग लिया यारों ने। रखिए, अगर सभी की समझ में आई है तो एक बार जोरदार ताली बजाकर जो आपकी तरफ से आशीर्वाद हो जाए, जोरदार ताली बजाकर, क्योंकि कलाकार भी जो मेहनत कर रहे हैं। हाँ, ताली बजाते रहे, ताली भी नहीं बजाए तो खर्चा पानी भी जो कलाकारों के लिए भिजवाते रहे। चंपे रागनी के माध्यम से, नंबर 3 के माध्यम से किस तरह क्या दर्शाया वाला। शेर ने ताकत मांग लई, शेर ने ताकत मांग ली, कोई और नहीं उसके सरकार। कद कुंजर ने मांग लिया बेसुरा शंख बाजे घर का। कद कुंजर ने मांग लिया बेसुरा शंख बाजे घर का। कस्तूरी हिरन ने मांग ली, कैसा अजब तमाशा है हर का। सूरत सूरतिया मांग रहे जहां उड़े पखेरु बे पर का। सूरत सूरतिया मांग रहे जहां उड़े पखेरु बे पर का। फिर सत्यानाश हुआ घर का रे, सत्यानाश हुआ घर का। ली दवा मांग बीमारों ने, बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग लिया यारों ने। फिर बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग लिया यारों ने। अधर्म लेगे इंसाफ मांग लाए इंसाफी। लोग अधर्मी अधर्म लेगे इंसाफ मांग लाए इंसाफी। मिलक सदल्लापुर की बटिया, मैंने रात दिनों नापी। जो कुछ मांगा दिया गुरु ने, मुझको लिख लिख के नापी। जो कुछ मांगा दिया गुरु ने, मुझको लिख लिख के नापी। थोड़ी आवाज़ जो निवेदन भाई, आवाज़ थोड़ी सी कम कर दे।
हमारे बुजुर्गों को जो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आवाज थोड़ी बंदी कर। हेलो, हाँ इधर की आवाज रहने दे, इधर की हमारे साइड की पल्ली तरफ की आवाज कम कर। चलिए चौथे रतन देवता लेके पाप मांग लाए पापी लोग अधर्मी अधर्म लेगे इंसाफ मांग लाए इंसाफी लोग अधर्मी अधर्म लेगे इंसाफ मांग लाए इंसाफी मिलक सदल्लापुर की बटिया मैंने रात दिनों नापी जो कुछ मांगा दिया गुरु ने मुझको लिख लिख के पापी जो कुछ मांगा दिया गुरु ने मुझको लिख लिख के पापी फिर पीरू ने मांगी माफी रे पीरू ने मांगी माफी कविता मांगी कविशारों ने बेटा बहू ने मांग लिया यार जान मांग लिया यारों ने फिर बेटा बहू ने मांग लिया यार जान मांग लिया यारों ने सूरज ने ली मांग रोशनी सूरज ने ली मांग रोशनी रजनी चंदा तारों ने अरे बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग लिया रोने भाई बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग लिया रोने